जैसा कि दोस्तों अभी पता ही है कि आप अगर इंस्टाग्राम रील पर अगर कुछ नॉर्मल सा एडिटिंग वीडियो आप डालोगे तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। फिलहाल अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आप जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वाले वीडियो में अगर आप यहाँ पे एडिटिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे एडिटिंग जो है नेक्स्ट लेवल देखने को मिल रहा होगा। तो साथियों, आज मैं आपको इसी प्रकार का इफेक्ट अपने वीडियो के अंदर अप्लाई करना सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे कई तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिन सारे इफेक्ट को मैं आज आपको एक करके हर चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है पता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे खुली जगह का एक वीडियो बनाना होगा। उसके बाद आपका जो बाइक है उसका आप यहाँ पे फर्स्ट वाला लुक आप यहाँ पे वीडियो बनाइएगा। उसके बाद आपको अपना वीडियो का यहाँ पर मतलब बाइक को आप यहाँ पे घूम घूम के अलग अलग अपना वीडियो को आप यहाँ पे शूट कीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने वीडियो को यहाँ पे अलग अलग क्लिप्स यहाँ पे शूट किया हूँ, आप भी दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग क्लिप शूट कर लीजिएगा। वीडियो शूट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोन में कैपकट अगर पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैपकट ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से कैपकट ऐप को इंस्टॉल करके अपने सारे फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके नीचे आपको सब्सक्राइब वाला एक बटन दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट किया हो तो रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को मैं एडिट करने के लिए आज कैपकट ऐप का यूज करूँगा। अगर आपके फ़ोन में कैपकट ऐप पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लेटेस्ट कैपकट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो मेरे जितने सारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग किए हुए फाइल थे, उन सारे फाइल को मैंने यहाँ पर एक एक करके जो कैपकट ऐप है उसके अंदर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। आपको भी दोस्तों अपने सारे वीडियो को आप इसी प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम आपको वीडियो पर क्लिक करके वीडियो का जो वॉल्यूम है आप यहाँ पर वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाके जीरो कीजिएगा, और इसको आपको लाउडनेस को आपको एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। इससे आपके सारे वीडियो का वॉल्यूम यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों, आपका जो फर्स्ट वाला क्लिप है उसका लेंथ को आपको थोड़ा कम रखना है बाकी वीडियो के मुकाबले, बाकी क्लिप के मुकाबले। तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से इतना करता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, आपका जहाँ पर आपका सेकंड वीडियो स्टार्ट हो रहा है इस जगह पे आपको यहाँ पे जाना होगा। इस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद साथियों, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, और स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लीजिएगा। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये बाइक वाला जो चीज़ है मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। सो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ बाइक क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं इसको यहाँ पर अभी सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद साथियों, आपको वापस से नॉर्मल लुक में आ जाना होगा। अगेन आपको अगले वाले फाइल पर आना है, यहाँ पर भी आपको सेम उसी तरह से आपको पहले वीडियो को फुल स्क्रीन में करना होगा। उसके बाद यहाँ का भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, देन कुछ इस टाइप से आप इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा। मैं दोस्तों अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ, आप साथियों अपने हिसाब से जो जो चीज़ आप यहाँ पर रखना चाहते हो उन सारे चीज़ को आपको यहाँ पर पहले कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं नंबर प्लेट को सिलेक्ट करूँगा, सो मैंने नंबर प्लेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अगला वाला जो क्लिप है यहाँ पर मैं क्या दिखाऊँगा, देख सकते हो जो मेरा मीटर है इसको मैं दिखाने वाला हूँ। सो सेम यहाँ पर मैं करता हूँ स्क्रीन शॉट, और उसको मैं यहाँ पर क्रॉप कर लूँगा। इस तरह से आपके जितने सारे क्लिप है उन सारे क्लिप को आपको यहाँ पे मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्रॉप करना होगा। तो जैसा कि साथियों, मेरा लास्ट क्लिप था जिसको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका जो पोजीशन है उसको मैंने यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद साथियों, अब आपको यहाँ पे आपके फ़ोन में फोटो रूम ऐप अगर पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको इस वाले ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से साथियों, आपका जो फर्स्ट वाला फ़ोटो है आपको फर्स्ट वाले स्क्रीनशॉट को आपको सेट करना होगा। जिस प्रकार से ये थोड़ा यहाँ पे रिप्लेस टाइप का लेगा, उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का वो आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर अभी बैक करना होगा। अगेन आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अभी आपको अपना सेकेंड वाला फ़ोटो सेट करना है। सेकेंड वाले फ़ोटो को भी आपको यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से रिप्लेस करना होगा। मतलब इस तरह से आपके सारे
जो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था उन सारे स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पर एक करके सिलेक्ट करना होगा और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को आपको रिमूव कर लेना है। तो मैं जो ये काम यहाँ पे झट से कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, मेरे पास जो है मेरा लास्ट था जिसको मैं यहां पर कुछ इस प्रकार से सेव कर ले रहा हूं, आपको भी इसी तरह से कर लेना है। करने के बाद आप यहां पे चले जाइएगा अगेन कैपकट ऐप के अंदर। जाने के बाद साथ ही आपका जहां पर कट लगा हुआ इस जगह पे आपको आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एड ओवरले वाले ऑप्शन में जाके आपको फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपका जो फर्स्ट बैकग्राउंड रिमूव किया फोटो इसको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो लेंथ है कुछ इस तरह से आगे तरफ से रखना है, ठीक है। तो आगे तरफ से जस्ट इसके आपको इतना दूर करना होगा। इतना करने के बाद साथ ही अभी आप यहाँ पे डबल फिंगर की मदद से कुछ इस टाइप से आपको ये वाला जो बाइक है, मतलब अगला क्लिप का जो बाइक है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। करने के बाद आपको स्प्लिट करना होगा, देन इस पार्ट को आपको हटा देना है। अब साथ ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, की फ्रेम पर क्लिक करना है। अब साथ ही आपको जस्ट इतना पार्ट में आके अगेन आप की फ्रेम पे क्लिक करके इसको अभी आप यहाँ पे ऊपर तरफ आप उठा दीजिएगा। अब मैं दोस्तों अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पे एनिमेशन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा थोड़ा जल्दी हो गया लेकिन आप अच्छे से करोगे तो ये आपका और भी अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ पर कितना मस्त लग रहा है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉप होकर आएगा अगला क्लिप। अब दोस्तों आपको सेकेंड वीडियो में इतना पार्ट में आना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर फोटोज वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर अभी आपको अपना जो सेकंड वाला स्क्रीनशॉट का बैकग्राउंड रिमूव किया था इसको सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार जस्ट इतना पार्ट में आके इस साइड का जो पार्ट है आप यहाँ पे स्प्लिट करके हटा लीजिएगा। हटाने के बाद साथ में इस वाले की फ्रेम पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों इसको छोटा करके आपका जो नंबर प्लेट है इसके ऊपर कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा। देन की फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना होगा। अब साथ ही आप बीच में आइएगा, यहाँ पर की फ्रेम पर क्लिक करके आपको इसको हल्का सा बड़ा करना है, ऊपर तरफ आप इसको उठाइएगा। अब दोस्तों इस यहाँ पार्ट में आना है के बाद की फ्रेम पे क्लिक करके इसको अभी नीचे तरफ में आप यहाँ पे लाइएगा। लाने के बाद अभी आपको फाइल पे क्लिक करना है, एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर अभी आपको इन एनिमेशन एक अप्लाई कर देना होगा। देख सकते हो मेरा यहाँ पे इन एनिमेशन आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर रॉक वर्टिकल को रखूँगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद साथ ही अब अगर मैं यहाँ से अगर वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊँ तो देखिए दोस्तों बाइक आया, उसके बाद नंबर प्लेट कुछ इस तरह से आ रहा है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से मैच हो जा रहा है। अब सेम आपको इस वाले क्लिप में बीचों बीच में आना होगा, ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो पीएनजी इस वाले पीएनजी को ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जस्ट इतना पार्ट में आके फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्प्लिट करना होगा। और इस साइड का पार्ट का कुछ काम है नहीं, सो इसको डिलीट करके आपको हटा देना है। अब दोस्तों आपका जो मीटर है, मेरा यहाँ पर मीटर का स्क्रीन शॉट है, सो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मीटर के ऊपर कुछ इस टाइप से इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लिया है। अब की फ्रेम पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको स्टार्टिंग इतना पार्ट में आके की फ्रेम पे आप क्लिक करके इसको आप यहाँ पर लाइएगा। इसको आपको छोटा करना है। छोटा करने के बाद दोस्तों सेम आप इसको थोड़ा सा इतना बीचों बीच में आके अभी आपको इसको पकड़ के ऊपर तरफ ला के इतना बड़ा आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अब दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ पर एनिमेशन डालना है, सो इन एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाके इनको सेट करके यहाँ पर अभी मैं रॉक हॉरिजॉन्टल सेट कर दूंगा। इससे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इफेक्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं अपने क्लिप को दिखाऊं तो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से अभी आपको दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से जाके मैच हो रहा है। अब दोस्तों अगला जो क्लिप है मिरर वाला है, सो एड ओवरले वाला ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मिरर का जो पीएनजी है इस वाले पीएनजी को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जस्ट इतना पार्ट में आके मैं स्प्लिट करके यहाँ पर मैं यहाँ पर डिलीट करके हटा दूंगा। अब दोस्तों एंडिंग में आके कुछ स्टेप छोटा करके इसको अभी आप इस प्रकार से आप ऊपर में एडजस्ट कीजिएगा। की फ्रेम पे आपको क्लिक करना है, बीचों बीच में पहले आप आइएगा। अब आपको पहले इसको नीचे में लाना होगा, छोटा आपको करना है। अगेन आप यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में आके इस इधर से आप लाइएगा, ठीक है, इधर आप लाइएगा, छोटा और कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में जाके यहाँ पर अभी आप कोई भी आप इफेक्ट आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सेक इफेक्ट डाल रहा हूँ। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना है। अब साथ ही अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरा वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो।
तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का जो वीडियो है बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। बाकी गाइस जितना आप इसको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से करोगे आपका जो वीडियो उतना ही बढ़िया दिखेगा। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दिया हूँ जिसकी मदद से आप इस प्रकार का वीडियो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। बाकी 1080 वाले ऑप्शन में जाके फ्रेम रेट को 60 करके आप यहाँ पर जो कोड है इसको हाई में करके शेयर पे क्लिक करके अपना वीडियो को आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। आई होप गाइस आज का जो वीडियो रिंग का डिटेल कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। कुछ भी अगर आपका सवाल हो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी एडिटिंग वाले वीडियो के डिटेल के साथ। बाय बाय टाटा नमस्कार।